अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वसीम जमान और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से आप जारविस को यूज़ करते हुए दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जारविस का इंट्रोडक्शन दे दूं। जारविस जो है एक लोकल टूल है जो कि आपको दराज के स्टोर्स की प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस बताता है, प्रोडक्ट के स्टैट्स बताता है। आपको ये टूल बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में किस तरह से चल रही है, उसके क्या स्टैट्स हैं, कौन सी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सर्च करके, जिनको आप हंट करके, जिनको सोर्स करके आप उसको अपने स्टोर पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैरविस का ये मेरे पास पेड वर्जन है। ठीक है, और मैंने प्लान परचेज किया हुआ है। इनके तीन प्लान हैं और इनके प्लान जो है वो जो कि मैंने रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको कर लेता हूँ और जैरविस के हम प्लान यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जैरविस आ गया। चलिए आ गया। और इसमें जो है वो देखें, इसमें जैविस में क्या क्या चीजें हैं। प्रोडक्ट हंटिंग आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट की रैंकिंग कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च हो सकती है, वेब एक्सटेंशन इसका मौजूद है, प्रॉफिट कैलकुलेटर मौजूद है जो कि इसी ऐप में बिल्ट इन है। ठीक है, और प्रोडक्ट में फीचर्स कौन कौन सी चीजें ये आपको बताएगा, आपको सेल्स एंड रेवेन्यू बताएगा प्रोडक्ट का, आपको लिस्टिंग की एज बताएगा कि जो भी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है जिसको आप सर्च कर रहे हैं, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं या जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त, उसकी एस्टिमेटेड एज क्या है, यानी कि वो कब फर्स्ट टाइम लिस्ट हुई थी। सेलर इन्फो बताएगा जो उसको बेच रहा है, वो स्टोर कौन सा है, क्या नाम है उस स्टोर का और स्टोर की क्या प्रोफाइल है। प्रॉफिट कैलकुलेटर इसमें बिल्टन होता है, उस प्रॉफिट कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हैं कि आप उसमें अपनी सोर्सिंग प्राइस, अपनी एग्जिस्टिंग प्राइस वगैरह, टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद आप एक प्रॉफिट को एक उसकी एजम्पशन देख सकते हैं कि उसमें एक आपको एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, एलक्यूएस है। ठीक है, एलक्यूएस होता है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, के जो भी लिस्टिंग हुई हुई है उस सेलर ने, उस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग की हुई है उस लिस्टिंग का क्वालिटी स्कोर क्या है, वो कितनी उसकी रेटिंग है। चूंकि जो आपकी जो सेल्स होती है लिस्टिंग के ऊपर सेल्स आती है, तो उसमें एलक्यूएस बहुत मैटर करता है। ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर जिसको आप देख रहे हैं उसमें रिव्यूज एंड क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं। ठीक है, रिव्यूज के बेसिस पे भी प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है कि जितने ज्यादा रिव्यूज हैं, जितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं, इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट उतनी ज्यादा अच्छी है। प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसने कितनी दफा प्राइसेस अपनी चेंज किए हैं, कितनी उसकी सेल्स हुई है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं हम कि किस कीवर्ड की दराज के ऊपर क्या वैल्यू है। ठीक है, कौन सा कीवर्ड हाईली जो है वो सर्चेबल है, कौन सा कीवर्ड की क्या रैंकिंग चल रही है, ये सारी चीजें। अच्छा, दराज का क्रोम एक्सटेंशन भी मौजूद है, मैंने यहाँ पे अपने पास ये डाला हुआ है, कहाँ गया ये। ठीक है, और ये दराज क्रोम एक्सटेंशन मौजूद है, इसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये आपको बता रहा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, आप जब जाते हैं तो ये आपको उस प्रोडक्ट की सेल्स और उसकी पूरी हिस्ट्री बता रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये डाटा वगैरह रिपोर्टिंग ये सारी थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें, तो इसमें आप अभी मतलब जब आप यूज करना शुरू होंगे और आपको थोड़ा बहुत भी डाटा की माइनिंग का अगर आइडिया है, तो आप यहाँ तक सारा चार्ट्स वगैरह और इनकी सारी एक इस तरह की अपीयरेंस भी देख सकते हैं अपने डाटा के। अच्छा जी, बाकी प्राइसिंग पे आ जाते हैं। प्राइसिंग पे हम शुरू हुए थे। बेसिक प्राइसिंग जो इनकी है वो है $5 पर मंथ। अगर कोई इंटरनेशनली इसको बाय कर रहा है, पाकिस्तान से आप बाय कर रहे हैं, तो ₹800 पर मंथ, जो कि इक्विवेलेंट शायद $4 भी नहीं बनते, 3.5 या $4 बनते हैं आज की डेट में। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, 20 प्रोडक्ट ग्रुप्स आप बना सकते हैं, 200 प्रोडक्ट की ट्रैकिंग कर सकते हैं, 400 पर रैंक कैंपेन्स हो सकती हैं, 300 एक्सटेंशन लॉन्चेज हो सकती हैं। ठीक है, और डेटाबेस, जो प्रोडक्ट का डेटाबेस मौजूद है, तो उसमें जब सर्च करते हैं उस 400 सर्च क्वेरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं, और 15 डेज की प्रोडक्ट हिस्ट्री और स्टेट्स आपको मिलते हैं बेसिक में, सिर्फ 15 दिन की प्रोडक्ट हिस्ट्री मिलती है और ईमेल सपोर्ट मिलती है। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट हिस्ट्री और स्टेट्स वगैरह ज्यादा लॉन्ग टर्म चाहिए, 60 डेज तक की चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो मैक्सिमम ये प्रोवाइड करते हैं, वो आपको $15 पर मंथ या ₹2600 महीना में मिलेगी। सही है, जो कि $10 बनता है अप्रॉक्स, उससे भी कम बनता है। और ये एक बीच वाला $10 का है, $1800। इसकी फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें 40 प्रोडक्ट्स का ग्रुप है, 900 प्रोडक्ट्स ट्रैकिंग है, 10 सुपर रैंक कैंपेन्स हैं, 750 एक्सटेंशन लॉन्चेस हैं, 900 जो है डेटाबेस सर्चेस हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे 400 है। 30 डेज प्रोडक्ट हिस्ट्री एंड स्टैट्स और प्रायोरिटी सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लिए कौन सा प्लान फिजिबल है। अच्छा, वैसे तो इनका ट्रायल प्लान भी होता है जो कि 3 दिन का होता है, उसमें गलबन शायद 3 या 4 सर्च की ये लोग देते हैं, जो कि फिजिबल नहीं है। आपको अगर काम शुरू करना है तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इंजेक्ट करना है पैसा, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है, कहीं ना कहीं तो आपने पैसे लगाने हैं। तो बेसिकली आप जब जारविस को परचेज करते हैं तो उसका पर्पज यही होता है कि अच्छी प्रोडक्ट निकाली जाए, और प्रोडक्ट अच्छी उस वक्त निकलती है जब आप सर्चेस करते हैं उसमें जो है वो गोता लगाते हैं, जब उसमें घुसते हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें डाइव करते हैं, तो आपके सामने चीजें खुल के सामने आती है। तो मेरे ख्याल में 400 प्रोडक्ट डेटाबेस सर्चेस जो है बहुत हैं। अगर आप स्टोर ओपन करना चाहते हैं, सिर्फ कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो आपके लिए बेसिक प्लान इनफ है। ठीक है, मैंने ये बेसिक प्लान ही परचेज किया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, मुझे भी इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बेसिक प्लान जो है वो परचेज किया है। ठीक है, अच्छा, दराज के जहाँ जहाँ पे दराज की एग्जिस्टेंस है, इंडियन कंट्रीज में,
और वहां पे भी आप इस जार्विस को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप दराज डॉट पीके के लिए ले रहे हैं, दराज श्रीलंका बांग्लादेश कहाँ के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो जार्विस टूल है, इन तमाम कंट्रीज के लिए भी इसकी सेम स्ट्रेटेजी और सेम तरीके का है। तो आते हैं जी, मैंने यहाँ पे अपने पास ये प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, आप अगर प्लगइन डालना चाहें अपने पास तो आपको जार्विस का प्लगइन आप वोल करेंगे तो जार्विस प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है। जार्विस का प्लगइन जो है वो जार्विस क्रोम प्लगइन, एक मिनट, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये मेरे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी एक्सटेंशन जो है वो उसका इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये दराज नहीं ओपन किया हुआ तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये जो है वो शो करेगा आपको, यहाँ पे ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये जो टूल है, जो प्लगइन है, ये किस तरह से काम करता है पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम जो उसका जो प्रोडक्ट रिसर्च टूल है हम उसमें जाएंगे। लेट्स सपोज ये दराज का मैंने मेन पेज जो है वो ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज M10 ईयरबड्स मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये, बहुत बिक रही है, इसके रिव्यूज आप देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो लेट्स सपोज मैं इस पहली लिस्टिंग को ओपन करता हूँ और जार्विस जो है वो इसके हवाले से मुझे क्या कहता है, देखते हैं। यहाँ पे जो है वो भी जार्विस का पर स्क्रीन आ जाइए, क्यों नहीं आ रही अभी तक, ठीक है आ गया। इसको एक्टिव करना पड़ता है, एक्टिव कर लिया मैंने, ऑन कर दिया प्लगइन। अब ये इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहा है ये टूल, ये मुझे 15 दिन की इसकी हिस्ट्री देगा, चीजें बताएगा और जो है वो सेल्स जो है मुझे 30 डेज की बताएगा ये। अच्छा, अब ये आपको जो चीजें बता रहा है कि क्या क्या इसके पास डाटा मौजूद है आपको दिखाने के लिए इस स्पेसिफिक प्लगइन में, ठीक है। वो ये कह रहा है कि इसमें 8 वेरिएशन हैं, हो सकता है इसमें कलर्स हो अलग अलग, ठीक है। प्रोडक्ट कोई भी हो, हम सिर्फ टूल समझ रहे हैं, हम प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टूल समझ रहे हैं। ये जो वीडियो है इज ऑल अबाउट टूल, इट्स ऑल अबाउट जार्विस, कि जार्विस को कैसे अच्छे से आपने इस्तेमाल करना है अपने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, दराज के लिए, ठीक है। वेरिएशन इसमें 8 वेरिएशन ये कह रहा है, जो सेलर की प्रोफाइल है, 2 साल पुराना सेलर है, सेलर की रेटिंग भी यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, टोटल स्टॉक इसका ये बता रहा है 1,51,548, ये शायद ओवरऑल स्टॉक बता रहा है, जो कि जितने भी यहाँ पे लिस्टिंग मौजूद है, जितने भी लोग बेच रहे हैं, ये उनकी जो है वो प्रोफाइल बता रहा है, उनके स्टॉक के हिसाब से यहाँ पे टोटल स्टॉक कैलकुलेट कर रहा है, जो कि शायद ये बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन लोग इनपुट कर देते हैं, एक रैंडम फिगर डाल देते हैं, भाई 1,000, जो प्रोडक्ट रेगुलर मार्केट में अवेलेबल होता है तो वो अगर उनके पास इतना स्टॉक नहीं भी होता तो बस वो रैंडम फिगर डाल देते हैं कि भाई 1,000 स्टॉक है, 5,000 स्टॉक है, 10,000 स्टॉक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कुछ भी, ट्रू, ठीक है। लिस्टिंग कितनी पुरानी है भाई, जिस लिस्टिंग को हमने ओपन किया है जिसमें ये 1,658 रुपीज का बेच रहा है और 1,560 इसके रिव्यूज हैं, तो ये जो लिस्टिंग है ये 2 साल पुरानी लिस्टिंग है, ठीक है। विश लिस्ट में 1,731 लोगों ने ऐड किया है इसको, और जो इसकी सेल्स ये बता रहा है 1,83,000, सॉरी, ये जो इसकी सेल्स बता रहा है, ये इसकी सारी चीजें लाखों में दरअसल गिनने की आदत हो गई ना, तो ये जो इसकी सेल बता रहा है ये कह रहा है कि 183 यूनिट्स जो है वो इसके लास्ट 30 डेज में सेल हुए हैं। अब आप इसका रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। आप इसको देख लें कि हम कैलकुलेटर ओपन करके देखते हैं कि ये जो है 1,658 से, मैं इसको अगर आपको कैलकुलेटर नहीं दिख रहा होगा शायद, कैलकुलेट करते हैं कि 1,658 मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है, 50,000 तक की अप्रोक्स सेल्स जो है वो 49,740 रुपीज की सेल्स जो है उस लिस्टिंग ने लास्ट 30 डेज में की है अकॉर्डिंग टू दिस टूल। और जार्विस जो है वो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है डाटा की, लोग कहते हैं कि सही नहीं है या यहाँ पे डाटा जो है वो कंप्लीट नहीं है या प्रॉपर नहीं है, देखिए 100% एक्यूरेसी तो हो नहीं सकती टूल की, ऑब्वियसली बात है, 100% तो आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते इसके ऊपर, लेकिन किसी हद तक जो है वो गुंजाइश इसमें होती है कि हाँ डाटा में थोड़े से ऊंच नीच होगी, बट जहां तक मैंने टेस्ट किया है जार्विस को, जो मेरे अपने स्टोर्स हैं, मेरी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनका डाटा तो एक्चुअली ऑब्वियसली मेरे पास मौजूद है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ उनका डाटा मेरे पास मौजूद है, इनके एक्चुअल सेल्स हैं क्या, इन लिस्टिंग पे एक्चुअल सेल्स क्या है, तो जब उन प्रोडक्ट्स को मैंने टेस्ट किया जार्विस के जरिए तो मुझे जो डाटा मिला वो यूँ समझने के 19-20 था, ठीक है। और बाज़ोकात तो ऐसा भी हुआ कि मेरे पास अगर किसी प्रोडक्ट की सेल महीने की 50 आई है तो जार्विस ने मुझे ज्यादा नहीं दिखाई, जार्विस ने मुझे दिखाया कि भाई इसकी 35 यूनिट सेल हुए हैं, हो सकता है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हो, क्यूरी में मसला हो, कोई और इंटीग्रेशन का मसला हो, लेकिन किसी हद तक आप यूँ कह सकते हैं कि 85% ऑफ डाटा जो है वो करेक्ट था, 85% ऑफ डाटा करेक्ट था। हम इसको और सेफर साइड कर लें तो हम इसको और 70% कह लेते हैं कि भाई ये 183 यूनिट्स नहीं बिके, ये इसके 150 यूनिट इसके महीने के सेल हुए हैं, तो हम इस बेसिस के ऊपर अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है वो कितने यूनिट्स बेच रहा है। अच्छा, अब ओवरऑल मार्केट में ये कितने बिक रहे हैं, इसकी सारी लिस्टिंग्स, बहुत सारी लिस्टिंग्स इसकी मौजूद हों, कौन से वेरिएंट में ज्यादा इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा बिक रहा है वेरिएंट वो है
ग्रीन विद प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है। 21.8% जो लोग हैं वो इस वेरिएंट को परचेज कर रहे हैं, और ये जो है वो बाकी ब्लैक है। उसके बाद फिर यम्पटन ए ब्लैक है। इसी तरह से ये सारे वेरिएंट्स की भी आपको क्लासिफिकेशन बता रहा है, और उनका स्टॉक भी बता रहा है कि सेलर के पास इसका कितना स्टॉक मौजूद है। और जो यहाँ पे स्टॉक उसमें आपको दिखाया था, ये जो है वो टोटल है। अच्छा, इसको इस लिस्टिंग को आप एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए, कि ये जो है स्टॉक जो बता रहा है या जो आपको ये डाटा दे रहा है वो सही है या नहीं। क्योंकि ये जो स्टॉक आपको जारविस अभी बता रहा है, ये करंट एग्जिस्टिंग स्टॉक बता रहा है। तो अगर मैं इस लिस्टिंग का लिंक कॉपी कर लूं और मैं इसको संभाल के रख लूं, और मैं 24 घंटे बाद आऊं, ठीक है, 24 आवर्स बाद में आऊं, और 24 आवर्स आने के बाद मैं इसी लिस्टिंग को दोबारा ओपन करूं, तो लेट सपोज अगर इसका स्टॉक 151548 आज की डेट में है, मैं 24 घंटे बाद जब इसको लिंक को दोबारा पेस्ट करूंगा और दोबारा से इस लिस्टिंग को ओपन करूंगा, और जारविस के टूल की मदद से मैं देखूंगा कि अब इसका कितना स्टॉक है, तो अब अगर ये कल के दिन में 24 घंटे बाद ये स्टॉक 151548 के बजाय 151540 होता है, तो इट मीन्स कि मैं ये देख लूंगा कि एक दिन में इसके 8 ही बचे हूँ, ठीक है। ये जस्ट फॉर क्रॉस चेक, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं होता कि आप फॉरन से जो है वो उसी वक्त प्रोडक्ट आपने निकाली और उसी वक्त आपने जो है वो आप उसको सोर्स करके आप बेचने लगते हैं, आप उसको वैलिडेट करते हैं, आप उसको मॉनिटर करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं, आप उसको देखते हैं कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, बाज अवकात कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ महीनों तक, ठीक है। उन प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर आप मार्केट में निकलते हैं कि भाई अब मैं इसकी सोर्सिंग अरेंज करूँ, ये प्रोडक्ट मुझे मिल गई है, अब मुझे इसकी इस प्राइस में सोर्सिंग चाहिए, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, इसकी सोर्सिंग क्या है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दराज इसका एक प्रॉफिट कैलकुलेटर टूल है, इसके जरिए जो है वो हम इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका प्रॉफिट टोटल ओवरऑल कितना है, 1658 रुपीज इसकी रिटेल है, और जो डिलीवरी चार्जेस हैं ऑब्वियसली वो शिपर ने पे करने हैं, बायर ने पे करने हैं, शिपर ने पे नहीं करने हैं, या वो दराज ने अकोमोडेट करना है, या वो बायर ने पे करने हैं। हाँ, अगर शिपर जो है वो फ्री शिपिंग दे रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो शिपर बेयर करेगा। इन सम केसेस दराज की कैंपेन्स बीच में आती है फ्री शिपिंग की, जिसमें दराज कहता है कि जी आधी जो शिपिंग चार्जेस है वो सेलर पे करे और जो आधी शिपिंग है वो बायर पे करे, या फिर आधी जो है वो दराज पे करे, तो उस तरह से कस्टमर को फ्री शिपिंग मिलती है। तो बहरहाल हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर भी ये शायद मौजूद है, बट ये दूसरे टूल का है, सॉरी ये ज़ियोन हंट का है, हम उस पर नहीं जा रहे, हम जारविस पे इसका कैलकुलेट करते हैं। 1658 प्रोडक्ट प्राइस थी, तो उसमें पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, हम यहाँ पर डालते हैं 1658 रुपीज़ प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है। अच्छा जी, कमीशन के लिए कमीशन स्ट्रक्चर क्या है इस एसेसरी पे, इस प्रोडक्ट पे दराज का कमीशन क्या होगा, हम सर्च कर लेते हैं कि जो है वो दराज कमीशन की लिस्ट निकाल रहे हैं, दराज कमीशन लिस्ट, ठीक है। दराज की कमीशन की लिस्ट हमने निकाल दी, ये अब चलेगा दराज के इस लिंक पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस कैटेगरी पे दराज कितना कमीशन चार्ज करता है। अब हमें इसकी कैटेगरी, मेरे ख्याल में ये देखते हैं अभी किस कैटेगरी में आएगा, एक रफ रफ आइडिया ले लेते हैं। इसमें तो नहीं आ रही है कमीशन की लिस्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं, हम एग्जैक्टली कैटेगरी में नहीं जा रहे, 2-3-4% का फर्क होता है, कंप्यूटर लैपटॉप चल रही है, डिजिटल गुड्स को छोड़ दें, फैशन फर्नीचर ग्रॉसरीज नहीं, हेल्थ एंड ब्यूटी होम अप्लायंसेस नो, किचन मीडिया जी, मोबाइल एंड टैबलेट्स, मोबाइल एसेसरीज पे आप एवरेज देख लें क्या चल रहा है, फोन बैटरीज शायद इसमें कहीं एयरबड्स हों, सर्च करके देखते हैं क्या सर्चेबल है। बिल्कुल, अच्छा जी हम देखते हैं एयरबड्स, ठीक है, लाइक नहीं हुई एयरबड्स, टीवी ऑडियो ऑडियो में आ रही है, नहीं ये नहीं हुआ। तो बहरहाल हमारे पास जो मोबाइल एसेसरीज की एवरेज आ रही थी वो ये थी 12.90%, 13%, हम इसको 14% कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। दराज का हम एक सेफर साइड पे हम 14% कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट प्राइस में 14% जो है वो दराज का कमीशन है। अच्छा जी, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें दराज का 14% है कमीशन, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, अब ये तो आपकी सोर्सिंग पर मैटर करता है, आपने एक जनरल आइडिया ले लिया, और मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे एज्यूम करते हैं, एज्यूम कैसे करते हैं, अभी आपके पास कोई सोर्सिंग इसकी नहीं है, बट आपने भी एज्यूम करना है कि इसकी यार एक टेंटेटिव जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी प्रोडक्ट को दोबारा सर्च करते हैं दराज पर ही, और M10 एयरबड्स हम ये देखते हैं कि ये लोएस्ट दराज पे कितने का बिक रहा है, तो जो गैप है वो तो गैप ऑब्वियसली हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये गैप प्रॉफिट का गैप है, इसको सॉर्ट कर लेते हैं हम प्राइस लो टू हाई, ठीक है। लेकिन ये शायद बहुत सारी कोई नई चीजें आ जाएंगी, 289 का भी बिक रहा है, बट ऑब्वियसली ये मुझे नहीं पता कि ये 289 का ये कैसे बेच रहा है, लेकिन ये 749 का बेच रहा है, बट इस पर रिव्यू बने ऑब्वियसली को फ्रॉड किया होगा सेलर ने,
लगाया हुआ कुछ है और भेजा कुछ होगा, ठीक है। हम कोई ऑथेंटिक लिस्टिंग देखते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए कि ये इसकी लोएस्ट प्राइस जो है वो ये, लेकिन 900, 945, 971, 972 इस तरह की बहुत सारी लिस्टिंग्स हुई हुई है, न्यू न्यू लिस्टिंग्स। तो हम कोई भी लिस्टिंग खोल के हम उस सेलर को देख लेते हैं, अगर वो नया सेलर है तो फिर हम उसकी प्राइस नहीं लेंगे, हम किसी ऑथेंटिक सेलर की प्राइस को एज्यूम करेंगे कि ये सही प्राइस हो सकती है। तो ये तो पॉजिटिव सेलर नहीं है ऑब्वियसली, 35% इसकी रेटिंग है, इट मीन्स कि ये चीटर या फ्रॉड सेलर है, तो ऑब्वियसली ये प्राइस मार्केट की नहीं है। हम और आगे जाते हैं, हम देखते हैं भाई 989 में, अच्छा लेकिन ये M10 नहीं है, 997, अभी भी अभी तक हमें कोई प्राइस ब्रैकेट मिला नहीं है, ठीक है ये मिल गया, ठीक है 1011 रुपीज की एक लोएस्ट प्राइस जो कि ऑथेंटिक भी है, जो कि नजर आ रहा है कि हाँ ये इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं और ये लोएस्ट प्राइस पे बेच रहा है, 1018 रुपए की दराज पे बेच रहा है, तो 1011 रुपए की ये बेच रहा है, और इसके इसके जो सेलर की रेटिंग है वो भी 86% है, और बाकी सारी चीजें भी इसकी अच्छी हैं, उसके रिव्यूज भी आप देख सकते हैं कि 4.8 के ऊपर है, कस्टमर की पिक्चर्स भी हैं प्रोडक्ट की, तो इट मीन्स कि हमें एक ये डिफरेंस पता चल गया कि भाई ये साहब जो है वो, अच्छा इनकी भी आपके पास ये आ गया कि ये कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, इनके पास स्टॉक कितना है और ये कितनी वेरियंट्स है उनके पास, और ये कितने पुराने सेलर हैं, 4 महीने पुराने सेलर हैं, 5 इनके यूनिट्स महीने में बिक रहे हैं। अच्छा जी, प्राइस इन्होंने लगाई हुई 1011 रुपये, और ये जो साहब थे ये सेम प्रोडक्ट सेम ही है, ये 450 mAh है और सेम लग नहीं रही है प्रोडक्ट, ये सेम है लेकिन ये इसको तो मैं कम कहता। अच्छा जी, ये डिफरेंट लग रही है, ये तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है सेम प्रोडक्ट है। ये दे रहे हैं 1658 रुपए की, ये दे रहे हैं 1011 रुपए की, तो अब अगर मैं डिफरेंस देखूँ कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 1658 माइनस 1011, शायद कैलकुलेटर आप लोग को नहीं शो हो रहा, तो ये 647 रुपीज का दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस है, तो इट मीन्स कि इसकी जो होलसेल प्राइस है, ऑब्वियसली ये शख्स अगर बेच रहा है, हम ये एज्यूम कर लें, ये एज्यूम कर लें कि ये कोई होलसेलर है, ठीक है हम ये अगर एज्यूम कर लें कि ये होलसेलर है और ये होलसेलर अपनी होलसेल प्राइस पे दराज पे रिटेल में सेल कर रहा है, तो हम यही प्राइस उठा लेते हैं, मिनिमम प्राइस को एज ए कॉस्ट ले लेते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट है, हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर दी, डिलीवरी चार्जेस हमने बेयर नहीं करने, बायर ने बेयर करने, और एवरेज सेल्स एक एक यूनिट लगाते हैं कि एक यूनिट हम बेच रहे हैं रोज का, ठीक है, और ये पेमेंट हैंडलिंग फी 2% होती है, वैट 15% लगेगा, ठीक है बाकी सारी चीजें हो गई, और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये कह रहा है कि एक यूनिट अगर हम इसका रोज बेचते हैं और हम अगर इसको 1011 रुपये का सोर्स करते हैं, जिसमें पैकेजिंग चार्जेस नहीं शो कर रहा है, ये पैकेजिंग नहीं आ रही, फ्लायर कॉस्ट वगैरह वो इस वाले कैलकुलेटर में नहीं दे रहा, हम देखते हैं इसको क्यों नहीं दे रहा, हम एक काम करते हैं इसको हम टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, हम इसको 1100 रुपये कर देते हैं, ठीक है 1100 रुपये की प्रोडक्ट आ रही है, तो हम ये अज्यूम कर लें कि कॉम्पिटिशन मीट करने के लिए हम इसको 1658 का नहीं बेचते, हम इसको 1550 रुपये का बेचते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है आपको कि 143 रुपए का आपको एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अगर इसके रोज के 2 यूनिट बेचते हैं तो आप इस प्रोडक्ट से, ये ऑटोमेट नहीं है शायद, ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, हम एक पे काम चलाते हैं, तो ये 143 रुपीज आप 2 यूनिट बेचते हैं तो आप 300 रुपये रोज एक प्रोडक्ट पे बना रहे हैं, ये एक मिनिमम पे रह के हम एज्यूम एजम्पशन की बेसिस के ऊपर हम एक कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट को किस तरह से आपने वैलिडेट करना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप दराज के ऊपर जर्विस के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो, ठीक है जी ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट कैलकुलेटर, हमने सेल्स देख ली, अब हम जरा किसी और प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं, उसको भी एक आप प्रोडक्ट को और ट्राई कर लेते हैं कि साल के तौर पे हम जो है वो यहाँ पे सर्च करते हैं वैनिटी लाइट्स, वैनिटी लाइट्स जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, और वैनिटी लाइट्स हमने सर्च किया, मतलब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, ये आपको सालों साल मिलेंगे, आप इसका स्टॉक भी लेके रख सकते हैं, अदरवाइज आप छोटे से स्टॉक ले लें आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। वैनिटी लाइट्स पे हमने कोई शॉर्ट तो नहीं किया हुआ ना, बेस्ट मैच प्राइस हाई टू लो पहले हम देखते हैं, हाई टू लो तो खैर ये कुछ और ही चीज आ गई, 5-5 हज़ार रुपए की भी बेच रहे हैं लोग, बेस्ट मैच पे रखते हैं इसको, ठीक है जो दराज रिकमेंड कर रहा है हम उसको देखते हैं, दराज मॉल की लिस्टिंग आ गई, हम दराज मॉल की लिस्टिंग नहीं उठा रहे, हम एक नॉर्मल सर्वर की लिस्टिंग लेते हैं, वैनिटी लाइट्स ये वाली लिस्टिंग हमने खोली, इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं। अच्छा जी ये हमारे पास आ गई, ये कह रहा है कि अच्छा जी ये लिस्टिंग हमारे पास ओपन हो गई, वैनिटी लाइट्स की, इसका जो प्रोडक्ट का डाटा है वो जेवस का लोड हो रहा है, प्राइसिंग इसकी देख लें आप, 1474 की ये सेल हो रही है, ठीक है और रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है, ये प्रोडक्ट ओवरऑल बहुत अच्छी है, कोशिश आपको ये करनी है कि आप जब प्रोडक्ट हंट करें दराज के लिए स्पेशली, तो वो प्रोडक्ट्स लें जिनकी रेटिंग्स 4+ हो, ठीक है जिनकी रेटिंग्स रिव्यूज 4+ हो, उसकी वजह यह है
कि जितनी अच्छी रेटिंग होगी इट मीन्स के उसके रिटर्न के या उसके जो है वो पार्सल पे कंप्लेन्स कम है, उस पे लोगों के रिव्यूज रिमार्क अच्छे हैं, प्रोडक्ट पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो अच्छा जी ये ओपन हो गया, ये हमें बता रहा है इसमें वेरिएशन कोई भी नहीं है, एक ही तरह की कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी है कि इसमें वेरिएशन नहीं है। सेलर जो है वो सेलर 4 साल से प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, 92% उस सेलर की रेटिंग है और इसका स्टॉक इसके पास ये अवेलेबल है। इस स्टॉक वाले मेथड से आप दोबारा से कल आके भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं, ये स्टॉक नोट कर लें इस लिस्टिंग का, 24 घंटे बाद दोबारा आ जाए आपको एक दिन की सेल्स इसकी नजर आ जाएंगी। ठीक है, लिस्टिंग एज इसकी बता रहे हैं कि ये वाली जो लिस्टिंग है ये 2 साल पुरानी है, 876 लोगों ने इसको विशलिस्ट में ऐड किया और 139 यूनिट जो है वो इसके महीने के सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सेलर इस पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है इसको हम देखते हैं, या आप अगर इसको सेल करें तो कितना प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो 1474 रुपीज जो है वो इसकी प्रोडक्ट प्राइस है और हम जो है वो अब इसकी एक लोएस्ट उस पे जाते हैं, मतलब इसको उसको इसको ओपन रहने देते हैं, इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं दोबारा से वैनिटी लाइट्स, वैनिटी लाइट्स आ गई और हमने इसको सॉर्ट किया प्राइस लो टू हाई। इसमें भी वही होगा कि शुरू में आपके पास बड़े अजीब अजीब से सेलर आएंगे, हम इसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं ठीक है, कि वो जो जिनकी रेटिंग्स 5 स्टार हो, चलो 5 स्टार वाले तो खैर कम मिलेंगे, हम 4 स्टार एंड अबव करते हैं। ठीक है, 4 स्टार एंड अबव में हमारे पास वैनिटी लाइट्स प्राइस लो टू हाई में क्या प्राइस आ रही है, ये आ गई जी 1089, 1089। सेलर भी अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है। ठीक है, तो 1089 और 1474, ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, 1089, 1089, 1474 माइनस 1474, ये जो डिफरेंस बन रहा है आ रहा है 385 रुपीज का, यानी कि मार्केट में गैप है 375, 385, 385 रुपीज तक का गैप है इस लिस्टिंग में और इस लिस्टिंग में। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट प्राइस है वो इससे नीचे है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 1090 रुपये से नीचे है, या आप ये यही वाली कंसीडर कर लें। ठीक है, हम इसको 1100 कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इस पे कमीशन 13, उस पे 14% था, अमूमन मोबाइल एक्सेसरीज पे ज्यादा होता है, हम 12% कमीशन कंसीडर कर लेते हैं कि इस पे 12% कमीशन। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 1100 है। ठीक है, प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है, जो मैक्सिमम सेल कर रहा है बंदा, वो जो बिक रही है वो बिक रही है 1474 पे, 1474 पे प्रोडक्ट की सेलिंग बिक रही है, डिलीवरी चार्जेस आपने नहीं देने और वैट 15% है, पेमेंट हैंडलिंग फीस 2% है। तो जो है जिसमें हमने पैकेजिंग कॉस्ट नहीं इंक्लूड की, फ्लायर की पैक कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट 50 रुपये लगा रहा हूँ, ज्यादा है 50 रुपये वैसे, लेकिन 50 रुपीज में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई 65 रुपये आपको इस एक प्रोडक्ट पे बचेंगे। ठीक है, 65 रुपीज आप इस एक प्रोडक्ट पे बचा रहे हैं, आप इस एक प्रोडक्ट के 2 यूनिट्स अगर रोज के बेचते हैं तो आपको 150 रुपये बचेगा, ऐसे ही आपके पास अगर 20 प्रोडक्ट्स ऐड हैं तो आप रोज के 3000 रुपये बचाएंगे। ठीक है, समहाउ ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी में काम कर रहे हैं दराज के ऊपर तो यही बेहतर होता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स की लाइन लगी हुई हो, आपके पास वेरिएशन बहुत सारी हो, प्रोडक्ट्स की वेरिएशन बहुत सारी हो, प्रोडक्ट्स में वेरिएशन ना हो, प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा हो, 500 400 800 लिस्टिंग मौजूद हो जिसमें आपकी रोज की 25 30 40 50 सेल आ रही हो, तो आप महीने का आराम से नियरली 1 लाख और उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि दराज पे जर्विस को यूज करते हुए, जर्विस के प्लगइन को यूज करते हुए हम प्रोडक्ट को कैसे वैलिडेट करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है जर्विस के ऊपर वो हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि सारी चीजें तो एक साथ कवर नहीं की जा सकती, और कोशिश करूंगा कि मैं इसको जो है वो और थॉरली ब्रीफ करूँ तरीके के साथ, ताकि जो है वो आप इसको समझ सके आसानी के साथ। ठीक है, हम जो कल बात करेंगे, आज जो हमने पढ़ा समझा वो हमने इसका जार्विस का जो प्लगइन था, वेब बेस्ड प्लगइन क्रोम का एक्सटेंशन, उस पर हमने प्रोडक्ट को एनालाइज किया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देखा, और अब हम जो स्टडी करेंगे वो हम प्रोडक्ट डेटाबेस को पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ट्रैकर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर जार्विस का पेड टूल परचेज नहीं किया तो 800 रुपये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, आप अगर काम करना चाहते हैं, आप अगर दराज पे काम करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स में एंटर होना चाह रहे हैं और चीजों को थोड़ा बहुत जानते हैं, मार्केट को थोड़ा बहुत जानते हैं, आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोडक्ट में फंसता है बंदा, तो आप सबसे पहले ही फुर्सत में जार्विस का ये प्रीमियम टूल बाय कर लें, 800 रुपये खर्च करें, इंशाल्लाह वैल्यू फॉर मनी मिलेगी आपको। मैं पूरा जार्विस समझाऊंगा कि कैसे इस जार्विस को यूज करते हुए आप अपनी दराज के लिए प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।